हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आपके लिए यूपी स्पेशल के मोस्ट 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके यूपी लेखपाल में आने की संभावना 100% है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी कभी कभी आते हैं मिलान करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं और मिलाने रहते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये हमारे गवर्नर यानी कि राज्यपाल करता है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा, यानी अनुच्छेद हो जाएगा 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर करता है? यानी जो राज्यपाल होता है स्टेट का, यानी किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल, यह मंत्रियों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सीएम, यानी मुख्यमंत्री, यानी राज्यपाल जो होता है ना, मंत्रियों की नियुक्ति, यानी मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये फिर भी आने की संभावना, क्योंकि लेखपाल वगैरह में ये जो क्वेश्चन से बनने की संभावना है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है? तो आपका हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, यानी उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत था, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला, अगर महिला पूछेगा मुख्यमंत्री कौन थी, तो हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और साथ ही साथ यह देश के, ठीक है ना, यह देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, यह देश के किसी भी, यानी देश के किसी भी राज्य की, ठीक है ना, देश की किसी राज्य की पहली महिला सीएम थी, ठीक है। यानी पूछेगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत के किसी भी राज्य की यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सर्वाधिक काल किसके पास है? यानी सर्वाधिक कई टेन्योर पर, यानी मतलब 5-5 साल करके ऐसे करके, यानी कि मुख्यमंत्री बनने का सर्वाधिक कार्यकाल किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुश्री मायावती जो कितनी बार रही हैं, ये 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, यह 4 बार सीएम का पद धारण किया है। यानी सर्वाधिक अगर मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश का किसी के पास ये है रिकॉर्ड, तो वह सुश्री यानी मायावती के पास है। और कितनी बार रही हैं, यह 4 बार रही हैं, यानी पद को धारण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री बने हैं? अब तक उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि सर्वाधिक। एक बात ध्यान दीजिए, इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है, का शहर कहा जाता है। और अब तक उत्तर प्रदेश से 9 PM बन चुके हैं, यानी कि 9 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश से कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 9। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, इनका जो संसदीय क्षेत्र है यह वाराणसी से हैं। कहाँ से हैं? वाराणसी से सांसद हैं, जो फिलहाल में क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक उत्तर प्रदेश कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी को लेकर के 9 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इलाहाबाद को
प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री पद धारण किया है? यानी यहाँ आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ, ठीक है, उत्तराखंड का भी जो मुख्यमंत्री पद धारण किए हैं उनका नाम हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी। ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे सीएम थे, यानी मुख्यमंत्री थे, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी इन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण किया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1952 को। यानी 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। यह हमारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, यानी 25 ईयर्स जो विधानसभा का सदस्य चुने जाने का यह न्यूनतम आयु है। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको किसी भी वीडियो में जो भी चीज़ें आपको जानने हैं, ठीक है, देश के बारे में, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।